हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे आरवी किचन में। आज हम बना रहे हैं हलवाई स्टाइल बहुत ही क्रंची और टेस्टी सलोनी। बड़ी परात ले ली है और इसमें हम मैदा डाल लेंगे। ये तकरीबन 1.5 किलो मैदा है। अब हम इसमें अजवाइन डाल देंगे 3 से 4 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार। और 3 से 4 चम्मच तेल डाल देंगे। इसका छली से नाप के हम 5 चम्मच तेल डाल देंगे। और हम इसे बराबर से मिलाते हुए मसल मसल कर इसमें मोमन लगा लेंगे। हमने अच्छे से मसल कर इसमें मोमन लगा लिया है। ये देखिए, यह इस तरह बंध जाना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका कड़ा डो लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हम इसे अच्छे से इसका डो लगा लेंगे। पानी एक साथ नहीं डालेंगे वरना ये गीला हो जाएगा। हमें इसका कड़ा सा डो लगाना है। हमारा डो लग चुका है। ये देखिए, इतना कड़ा होना चाहिए। अब हम इसके छोटे छोटे लोइयां बना लेंगे। और इन्हें बेल लेंगे। इन्हें बेल बेल कर बढ़ाते जाएंगे। हमने पूड़ी बेल कर रख ली है। इसी प्रकार हम सारी पूड़ियों को बेल कर रख लेंगे। इसकी मोटाई आप देख लीजिए, इतनी है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी प्रकार हम सारी पूड़ियों को बेल कर रख लेंगे और इन्हें बीच से कट लगा के इस प्रकार लंबाई में पट्टियाँ काट लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार हम सारी पट्टियों को काट कर
रख लेंगे। अब इन्हें इस प्रकार करके इनकी एक एक इंच की लंबाई की सलोनियाँ काट लेंगे। इसी प्रकार हम अपनी सभी सलोनियाँ बनाकर रख लेंगे। हमने सभी नमक पारे या सलोनी को काट कर रख लिया है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई में तेल डाल देंगे। तेल को गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसे हम थोड़ा सा डो डालकर चेक कर लेते हैं। अब हम अपने सभी सलोनी को इसमें डाल देंगे। आंच को लो टू मीडियम रहने देंगे, वरना ये तेज आंच पर ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। इन्हें हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही तलना है। इन्हें हम आराम आराम से चलाते रहेंगे। हम सलोनी को उलट पलट कर चलाते रहेंगे और इन्हें ब्राउन होने तक अच्छे से धीमी आंच पर पका लेंगे। हमारी सलोनी बनकर तैयार है, ये ब्राउन हो चुकी है। तैयार है हमारी हलवाई स्टाइल क्रंची टेस्टी सलोनी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।